इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में हमने फैसिलिटेशन इंटरेक्शन पढ़ा था। फैसिलिटेशन इंटरेक्शन क्या होता है उसमें पहली टाइप हमने म्यूचुअलिज्म को पढ़ा था। फैसिलिटेशन इंटरेक्शंस क्या है, जब एटलीस्ट एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा उससे फैसिलिटेशन इंटरेक्शंस कहते हैं। म्यूचुअलिज्म कंप्लीट किया था, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म क्या होता है, ये भी एक फैसिलिटेटेड टाइप ऑफ इंटरेक्शंस है। इट इज़ आल्सो नोन एज पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शंस। पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शंस क्या है, मतलब एक स्पीशीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और दूसरी जो है वो अनइफेक्टेड और अनहार्म्ड रहेगी। चलिए देखते हैं क्या है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेशन इंटरेक्शंस, ठीक है ना। फैसिलिटेशन इंटरेक्शंस क्या होती है, एक ऐसी इंटरेक्शन जहाँ पे एक स्पीशीज को एटलीस्ट एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है और दूसरी स्पीशीज जो है वो अनहार्म्ड रहती है, ठीक है ना। तो फैसिलिटेशन इंटरेक्शन में ही हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा था। तो म्यूचुअलिज्म हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, आज की वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म क्या है, इट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन। अब ये पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन क्या है, पॉजिटिव क्या होता है, जो स्पीशीज बेनिफिट लेगी दैट मीन्स वो पॉजिटिवली अफेक्टेड रहेगी, और जो स्पीशीज ना उसको बेनिफिट मिलेगा ना उसको हार्म होगा, नेगेटिवली इफेक्ट नहीं रहेगी, ये अनहार्म्ड रहती है। ये क्या रहती है, अनहार्म्ड रहती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन। नाउ इस इंटरेक्शन में क्या होता है, इस इंटरेक्शन में ऐसा होता है कि एक स्पीशीज को तो बेनिफिट मिलता है, और जो दूसरी स्पीशीज है वो अनइफेक्टेड रहती है। सपोज करो हमने एग्जांपल के तौर पर एक ट्री लिया है, मैंगो ट्री। इस मैंगो ट्री पे जो ऑर्किड्स होते हैं, ये ऑर्किड्स एज अ एपिफाइट्स होते हैं, ये ऑर्किड्स इस मैंगो ट्री से फूड ले लेते हैं, इस मैंगो ट्री से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी इस ऑर्किड्स के लिए, इन एपिफाइट्स के लिए जो मैंगो ट्री है वो एक निश है। वो क्या है, वो एक निश है, वो एक हैबिटाट है, ये ऑर्किड्स का हैबिटाट मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री से सारी न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्किड्स लेते हैं। तो मैंगो ट्री को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है मैंगो ट्री को कोई इफेक्ट, क्योंकि मैंगो ट्री को अपनी न्यूट्रिशन जो है वो रूट से तो आ रही है, उसी में से कुछ इसमें भी ट्रांसपोर्ट हो जा रही है, ठीक है ना। तो और ऑर्किड्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑर्किड्स को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मैंगो ट्री को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो अनअफेक्टेड अनहार्म्ड रह रहा है, ठीक है। नाउ कमेंसलिज्म में टाइप्स ऑफ कमेंसलिज्म को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कमेंसलिज्म में सबसे पहले आता है इनक्यूनिलिज्म। अब इनक्यूनिलिज्म क्या होता है, जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को अपना होम मान ले, दूसरी स्पीशीज को अपना हैबिटाट मान ले, अपनी निश मान ले, ठीक है ना, तो उससे कहते हैं हम इनक्यूनिलिज्म। तो इनक्यूनिलिज्म क्या होता है, व्हेन वन स्पीशीज यूजेस अदर स्पीशीज फॉर हाउस, हाउस बोलो आप, हैबिटाट लिख लो आप, या आप इसमें निश लिख लो, एक ही बात है ना। जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को यूज करेगी हाउस के लिए या हैबिटाट के लिए या निश के लिए, उससे कहते हैं हम इनक्यूनिलिज्म। तो इनक्यूनिलिज्म में एग्जांपल आपने याद रखना है ऑर्किड्स, जो मैंने पहली एग्जांपल बताई। ये ऑर्किड्स क्या है, एक एपिफिटिक प्लांट है, प्लांट पे प्लांट लगता है, ये एपिफिटिक प्लांट है, ये इसकी एग्जांपल आता है। नाउ दूसरी एग्जांपल कमेंसलिज्म की क्या है, वो है फॉरेसी। अब फॉरेसी क्या होता है, फॉरेसी होता है कि जब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज का यूज करे एज अ ट्रांसपोर्टेशन, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को यूज करेगी एज ट्रांसपोर्टेशन, उसे कहते हैं फॉरेसी, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल दो चार आपने लिख लेनी है, ठीक है ना। नाउ थर्ड इज मेटाबायोसिस। अब मेटाबायोसिस क्या होता है, मेटाबायोसिस होता है जब एक ऑर्गेनिज्म यूज करेगा, प्रोडक्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को यूज करेगा, उसकी बॉडी के प्रोडक्ट्स पर फीड करेगा, तो उससे हम कहते हैं मेटाबायोसिस, उसकी बॉडी को यूज करेगा। जैसे स्नेल की शेल जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बाद में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है फोर्थ, एसोसिएशनल रेजिस्टेंस। ये एसोसिएशनल रेजिस्टेंस भी कमेंसलिज्म की ही टाइप है। अब ये एसोसिएशनल रेजिस्टेंस क्या है, एसोसिएशनल रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है कि सपोज करो एक प्लांट है, वो नॉन पेनिटेबल प्लांट्स है, एक एरिया में नॉन पेनिटेबल प्लांट ग्रो कर रहे हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक एरिया है, इस एरिया में नॉन पेनिटेबल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ये नॉन पैलेटेबल प्लांट्स क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनको हम ईटिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, दिस एसोसिएशनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन नॉन पैलेटेबल प्लांट्स के साथ इनके साथ ही पैलेटेबल प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। अब ये पैलेटेबल प्लांट्स क्यों ग्रो करेंगे, वो इसलिए ग्रो करेंगे ताकि इनको प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट हार्बीवोरी। जो हार्बीवोरस है
जो हर्ब्स पे फीड करते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आती है हमारी एसोसिएशनल रेजिस्टेंस की। तो एसोसिएशनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो नॉन टॉक्सिक पैलेटेबल प्लांट्स हैं, इन नॉन टॉक्सिक पैलेटेबल प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिले हर्बीवोरी से बाय ग्रोइंग नियर नॉन पैलेटेबल नेबर। जो इनका नॉन पैलेटेबल नेबर है उसके नजदीक ग्रो करने से इनको प्रोटेक्शन मिले, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। नाउ कमेंसलिज्म की आप कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल आपने इसकी याद रखनी है, ये एसोसिएशन ऑफ दिस, ये वाला मैंगो ट्री और ऑर्चिड्स। जो ऑर्चिड्स हैं वो एक एपीफाइट प्लांट है, वो मैंगो ट्री से न्यूट्रिशन ले रहा है, ऑर्चिड्स को बेनिफिट मिल रहा है, मैंगो ट्री को ना प्रॉफिट मिल रहा है ना लॉस हो रहा है। नाउ इसके साथ दूसरी एग्जांपल आती है जैकल्स और आर्कटिक फॉक्स। जैसे लाइम और सील जो है इन्हें कहा जाता है दे आर टॉप कॉर्निवर्स। अब ये टॉप कॉर्निवर्स जो हैं ये अपने प्रे के पीछे भागते हैं, और दिस लाइन एंड सील दे आर टॉप प्रीडेटर। ये अपनी प्रे को ऑब्टेन करेंगे, और प्रे को जब ये ऑब्टेन करेंगे तो प्रे के जो समालर पीसीज है वो ये छोड़ देंगे, उन समालर पीसीज को कौन खाएगा, उन समालर पीसीज को एज अ न्यूट्रिशन ले लेता है जैकल एंड आर्कटिक फॉक्स, ठीक है ना। और जैकल एंड आर्कटिक फॉक्स ने ना कंपटीशन किया ना इसने रेस की, इसको चुपचाप करके बैठे मिल गया, ठीक है ना। तो जैकल एंड आर्कटिक फॉक्स इज अ टाइप ऑफ कमेंसलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो सी एनीमोन है। सी एनीमोन में जो टेंटेकल्स होते हैं वो स्टिकिंग टेंटेकल्स होते हैं। तो इन स्टिकिंग टेंटेकल्स में क्लॉन फिश रहती है। तो क्लॉन फिश के लिए एज अ हैबिटेट क्या है, स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ सी एनीमोन। क्लियर ये चीज। नाउ द थर्ड आता है हमारे पास शार्क। देखिए शार्क को माना जाता है टॉप प्रीडेटर, है ना, टॉप कॉर्निवर है। अब शार्क जो है अपना फूड ऑब्टेन करेगा, तो अपने फूड ऑब्टेन करते करते जो पीसीज है या रिमेनिंग पार्ट्स है उन पे फीड करेगी पायलट फिश, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारी कमेंसलिज्म की। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कमेंसलिज्म, टाइप्स ऑफ कमेंसलिज्म एंड एग्जांपल्स ऑफ कमेंसलिज्म। थैंक यू।